नॉलेजेबल तो एक है, ये हम कोरोना वाद कोरोना वाद। आपका नाम क्या भैया? सौरभ कुमार सिंह। सौरभ कुमार सिंह। और आप? मेरा नाम विद्यासागर है। विद्यासागर है। और मेरा रहने दीजिए सर। और बाबा जी, मैं हूँ देवेश। आ रहा है ना? हाँ आ गया। अच्छा चलिए ठीक है। उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ। हाँ बाबा। अच्छा हम लोग क्या देंगे, बाबा बोलते हैं। अच्छा बाबा बोलते हैं। हाँ बोले, क्योंकि हमारे ग्रुप के सबसे मोस्ट सीनियर पर्सन। अच्छा मोस्ट सीनियर। साथ में क्लास में रहे होंगे? साथ में क्लास में रहे। और ये बीएचयू बारे में अच्छे से बताएं, क्योंकि इनका गांव है ना। अच्छा बाबा जो है ना बाबा जी, अकेला बाबा, फैकल्टी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बारे में सच में बता के, अकेला अकेला बाबा के पास है। और इनके गांव की बहुत मान्यता है उस मंदिर में। अच्छा क्या मानता है बाबा? डी बाबा। और अच्छा, जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पे बैठ जाते थे, तो घर से भोजन वजन जो भी लाते थे तो उसको फिर बैठ करके खा लेते थे और पानी पी लेते थे वहाँ पर जी। और ये सब चीज़ें मतलब फिर इसके बाद फिर क्लासेज में चले जाते थे। अब क्या था, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में सुबह से लेकर के सुबह कितने 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक क्लास चलाते थे। 2 साल तक मारे खटिया खड़ी कर दिए, बीच में 1-2 घंटे के गैप कर दिए, तो ऐसे सब चीज़ें चलती रही। 2016 में पास आउट हुए। 2016 से 2020 में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? बीएचयू का अब ये हुआ कि को एजुकेशन कर दिए, उस समय को एजुकेशन नहीं था। अभी हाँ सुने हैं कि आर्ट्स फैकल्टी में भी कोई एजुकेशन हो गया। तो अब एक बच्चे से हमने पूछा कि भाई मतलब कि एजुकेशन हो गया तो क्या क्या आप लोग क्या मतलब लगता है? तो कहे भाई एक नया एक्सपीरियंस होगा, पढ़ाई के प्रति थोड़ा ज़्यादा और अवेयर होंगे, पढ़ाई के प्रति और नई चीज़ें सीखेंगे और मिल करके, तो 1+1=11 हो जाता है। अच्छा। तो इस समय आप लोग कर क्या रहे हैं, करियर की तरफ जो है कैसे? करियर की तरफ अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए तो एमकॉम है ना? बीएचयू से तो एमकॉम में जी, एमकॉम में मतलब क्या विषय है आपके? कॉमर्स रहता है ना। कॉमर्स में क्या? एचआरएम है हमारा। एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें जैसे कि एक ट्रेडिशनल पढ़ाई होती है, ट्रेडिशनल के अलावा जैसे कि इसमें कुछ स्कोप भी होगा ना एमकॉम के बाद जो है, कि ताकि इंडस्ट्रीज में जा सकें? सीए का हो गया, बहुत बहुत तो स्कोप है कि आप एचआर मैनेजर बन सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एचआर मैनेजर के लिए आता है जी जी, जिसके लिए अलग से लोग एमबीए वगैरह करते हैं एचआर से जी 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 जी। लेकिन हम लोग को इसी में पढ़ा दिया जाता है अच्छा। तो वो एमबीए के एमबीए एचआर के इक्विवेलेंट वैलिड हो जाता है? एमबीए जैसे बहुत सारे होते हैं ना, एचआरएम से लोग करते हैं, फाइनेंस से करते हैं, एमबीए पर्सनल मैनेजमेंट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें एमबीए होती हैं, होटल मैनेजमेंट हो गया जी जी। लेकिन जो एचआर मैनेजर होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे कि काम कैसे किया जाए कंपनी के लिए जी जी, बेस्ट वर्कर या बेस्ट एम्प्लॉय कैसे हायर करना है, एचआर के द्वारा रिक्रूटमेंट होता है। जितनी भी कंपनी में जो मैन पावर रखे जाते हैं, हायर किए जाते हैं, वो एचआर ही रखते हैं। तो क्या है, जैसे कि आजकल कंपनियों में हमने सुना है इंसेंटिव बनते हैं, टारगेट होते हैं, क्या एचआर में भी कोई टारगेट होता है? आपने पढ़ा होगा एचआर में टारगेट एम्प्लॉय के लिविंग स्टैंडर्ड पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उनके वर्किंग कंडीशन पे अच्छा ध्यान, कैसी जगह काम कर रहे हैं, फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए, वो इस पे देखते हैं। वो टारगेट नहीं होता है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड कैसे हायर किया जा सकता है उसके बेसिस। ज़्यादा से ज़्यादा आप जब आप किसी कंपनी के वर्कर को जितना ज़्यादा आप सुविधा देंगे, उनके उन लोग का फैमिली से करेंगे जी जी जी, तो उस हिसाब से आप कंपनी की उत्पादकता अच्छा है, आपका कंपनी ग्रोथ करता है, ठीक है ना। तो एचआर यही करता है कि आप कंपनी के वर्करों को इस लायक बनाता है, इस लायक मोटिवेट करता है, उनको हर कार्य करता है, जिसकी वजह से कि कंपनी की जो है ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, उनके एम्प्लॉयों के लिए जैसे उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करता होगा। और जैसे कि ये हो गया कि उनके जो उनके स्पाउस हैं, स्पाउस माने वही होता है ना, जो बच्चे हैं जो, तो उनको एजुकेशन की फैकल्टी और मेडिसिन की फैकल्टी भी जी। बाबा जी बात अच्छा, तो फिर जैसे पीएचडी करने के बाद आप क्या मतलब ये प्रोफेसर ही बनना है? और प्रोफेसर बनना है और कुछ
जिसे गरीब बच्चों के लिए कार्य भी करना चाहना है। अच्छा तो भाई एक जैसे सामाजिक कार्य भी हमारे हम सोचे हैं करने के लिए। जी जी जैसे हमारा जैसे इनकम बढ़ गया पहले तो भाई फैमिली को देखना जी, उसके बाद गरीब बच्चों को जो हम एक ट्रस्ट खोलना चाहते हैं जिसे जो गरीब बच्चों को भलाई के लिए उनको पढ़ाने उड़ाने के लिए फ्री में उनको पढ़ाना सारी सुविधाएं देना उनको अवेयर करना कि भाई आपकी लाइफ कहाँ जानी चाहिए बाल मजदूरों को खत्म करना ये सारा एक लक्ष्य है हमारा। लेकिन उसके लिए भाई जाहिर सी बात है जब आप खुद डेवलप जब आप उस लायक रहते तभी आपकी लोग बात भी मानते हैं। आप जब डेवलप रहेंगे मतलब डेवलप का मतलब कि जब आप उस लायक रहेंगे पद पोजीशन करेंगे पद पोजीशन में तो आपके लोग बात सुनते हैं। हाँ सुनते हैं बिल्कुल। अब इनकम नहीं हमारे पास कुछ है नहीं पैसा नहीं हम बच्चों को कहाँ से किताब खरीदेंगे कहाँ से बात आ जाती है। तो सबसे पहले कि हम मैं उस लायक बन जाऊं उसके बाद अपने जो खर्च हैं बचा के जी कुछ लोगों को जोड़ के जी उनसे भी कुछ पैसे कलेक्शन कर करके जी गरीब बच्चों को आराध बच्चों को पढ़ाना है यही समय जी। नहीं हाँ वो एक बार अपना करियर सेटल हो जाए हाँ, तो फिर चीज़ें अच्छी होती कुछ भी करने में फिर आनंद आता है। हाँ, फैमिली भी सपोर्ट करती है ना। नहीं नहीं हाँ जैसे कि आप बीकॉम किए तो फिर सीए हुए का प्रिपरेशन थोड़ा बहुत नहीं नहीं किए हम सीए जी जी क्योंकि बहुत टफ भी पड़ा ऊपर से हमको कोचिंग के लिए उतना पैसे फाइनेंस की भी प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अच्छा सीए था फिर सीएस था फिर सीएफए भी था चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएमए हो गया अब तो सीएफपी भी आ गया है न जाने कितने कितने प्रोफेशनल कोर्सेज आ गए हैं बहुत सारे। तो जैसे कि बीकॉम के बाद जैसे ग्रेजुएशन के बाद ये होता है एसएससी सीजीएल जाए बैंकिंग जॉब में या फिर किए था हमने तैयारी किया लेकिन थोड़ा मैथ वीक के वजह से। अच्छा मैथ में क्या उसमें हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो भाई मैथ वगैरह सब पूछता है ना मैथ इंग्लिश रीजनिंग है उसमें थोड़ा सक्सेस नहीं हो पाया इसीलिए उस लाइन को हटे फिर देखते हैं। वो जिनकी स्पीड काफी अच्छी है तो कर ले जाते हैं तो ज्यादातर बीटेक वाले लड़के बीटेक वाले ज्यादा सक्सेसफुल बीटेक वाले जो है फाइट कर दे रहे हैं इसमें भी बैंकिंग में भी। तो जैसे बीकॉम के बाद कंपनियां भी तो प्लेसमेंट के लिए आई होंगी बीएचयू में कंपनियां नहीं उस टाइम नहीं आती नहीं किस समय पास आउट हुआ था 2012। अच्छा 2012 में तो इसके बाद फिर एमकॉम अभी उसके बाद एमकॉम कब पास हुआ आप 2014 अभी फिर कुछ जॉब वॉब किया कि या फिर ऐसे ही नहीं मैं टीचिंग में था 4 साल बीएड किया आपने नहीं बीएड हाँ टीचिंग में पढ़ा रहे थे स्कूलों में जी 4 साल पढ़ा है तो इसलिए पर्सनालिटी आपकी इसलिए ग्रो की गई है देखिए कितने स्मार्ट लगते हैं ये बचपन से ही स्मार्ट है। अच्छा बचपन से ही स्मार्ट है कोई कहेगा कि यूपी बोर्ड से पढ़े हैं ना नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बाबतपुर में था बाबतपुर मेरा कॉलेज था बीआईटी बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन करके जी 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 उसमें मैं 4 साल कॉमर्स में पढ़ाया। अच्छा ये बीआईटी के सबसे होनहार मतलब टीचर माने जाते हैं कॉमर्स के। अच्छा हाँ नाम भूल गया आपका सौरभ कुमार सिंह नाम है इनका। अच्छा सौरभ सर ये अच्छे टीचर भी रहे हैं जी लेकिन फिर भी एक होता है ना पता है डिग्री होना जरूरी होता है डिग्री होना और पीएचडी इनका करने का ये मेन था। तो नेट अभी नहीं निकला क्या अभी नेट है नहीं क्या तो नेट तो आपने कई बार दिया होगा ना हाँ, तो बहुत ज्यादा हार्ड पड़ जाता है लड़के बहुत ज्यादा कभी भी इसको लग के हम प्रिपरेशन करके नहीं दिए हम अच्छा किसी तरह देते चले जैसे कि मतलब क्या थ्योरी में पेपर मार्क्स अच्छे आते थे या फिर जो वो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट वाले पेपर होते हैं दो था एक तो कॉमन होता है सब्जेक्ट वाले में ज्यादा आते थे लेकिन जो था नॉर्मल वाला वो गड़बड़ हो जाता था। तो एक बार नेट के एग्जाम हमने दिए थे तो हमारा 57.71% था और नेट हो गया नहीं नेट नहीं 2-4-6 नंबर से रुक गया था और नहीं फिर इसके बाद हमने सब्जेक्ट से आपका योगा एंड साइंस ऑफ लिविंग से मैं कर रहा था तो एक साल फिर किया नहीं आगे अपीयरिंग चांस भी दिया था। अच्छा अपीयरिंग में मेरा सेकंड पेपर में 76% था और थर्ड पेपर में 62% था और फर्स्ट पेपर में गड़बड़ हो गया 32% था। अब हमें लगा कि नेगेटिव मार्किंग होगा अगर थोड़ा सा हुआ होता नेट पूरा क्लियर था जबकि इसकी जनरल में हमने देखी थी ओवरऑल मेरिट 73% गई थी
जेआरएफ की 6 लड़के कितने जनरल में थे, ओबीसी में 12 लड़के टोटल थे, वो 71% थी। हमारा थ्योरी में अरे वो सब्जेक्ट वाले पेपर में सेकंड पेपर में 76% हो गया था। तो ऐसे फिर इसके बाद फिर हमने एमए किया नहीं कंप्लीट, फिर आपके बाद फिर डाला है राजर्षि टंडन से। अच्छा, हमने कहा कि अब कर लेते हाँ, हम अब हाँ ओपन यूनिवर्सिटी से, अब चूँकि थोड़ी दिक्कतें आती हैं आती रहती हैं लेकिन। और आपने आपका अभी आपके बारे में नहीं बात हुई, हमारे आपके बारे में तो आप मतलब पढ़ाई जो है कहाँ से शुरुआत हुई बनारस की? स्कूलिंग इंटर तक जी जी इंटरमीडिएट तक सनराइज इंटर कॉलेज से हुआ। अच्छा, उसके बाद मैं बीकॉम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। अच्छा, बीकॉम जी, बीकॉम यहाँ बनारस यूनिवर्सिटी जी जी। फिर इसके बाद आप चाहते टीचर भी रहे हैं? उस साल तक मैं पढ़ाया चार साल मतलब कि 2018-19 तक। इसके बाद तैयारी में फिर जुट गए तो खैर कोचिंग भी पढ़ाते होंगे आप लोग? क्यों अभी खैर खोलने की इच्छा है नहीं, कॉमर्स निकल जाए ना तो फिर कोचिंग कराएंगे। तो इस एमकॉम में स्पेशलाइजेशन क्या है? एचआर। अच्छा, आप दोनों लोग साथ साथ उसी में हुए एचआर में? हम दोनों लोग साथ ही, हम लोग को एक साथ जुड़े हुए करीब 6 साल हो गए। अच्छा, 6 साल, 6 साल से जुड़े हैं। अब हमारे बाबा के बारे में थोड़ा सा ले लेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। नहीं, विद्यापीठ के बारे में ज्यादा अच्छा बताएंगे आपको, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पूरा वहीं से हुआ है इनका। बाबा जी विद्यापीठ के बारे में कुछ बताइएगा। विद्यापीठ के बारे में क्या बताएं, वहाँ पे मतलब नहीं, ये बात तो सही कि लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है और दिक्कतें हैं शासन चुनाव को लेकर। ज़्यादा लोग बच्चे जो भी एडमिशन लेते हैं सोचते हैं कि चुनाव लड़ना है नेतागिरी करते हैं। और नेतागिरी के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी नेतागिरी के लिए। तो अभी ये है कि बीएचयू में जो है, बीएचयू में भी तो लड़ाई लड़ रहे थे सब लोग बच्चे की जो छात्र संघ बहाल के, अभी यहाँ बहाल नहीं हो पाया क्योंकि छात्र संघ से मतलब क्या पढ़ाई पे क्या असर पड़ता है? छात्र संघ के बहाल होने कोई मतलब पर्पज है? छात्र संघ उसके लिए जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे सारी फैसिलिटी ऑटोमेटिक गवर्नमेंट या यहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सब पूरा कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। छात्र संघ वहाँ के लिए जरूरी है जहाँ पर ये सब चीजें नहीं हुई, जहाँ क्लासेस नहीं सही चल रहे हैं, लड़कों की डिमांड नहीं पूरा हो रहा, वहाँ के लिए यहाँ तो 90% अटेंडेंस मस्ट है। 90% यहाँ चीजें फुलफिल हो रही थी, छात्र संघ की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर भी लड़के बहुत बवाल किए, वो तो आपस में ही ग्रुप बाजी को लेकर मारपीट होता है यहाँ पर। ऐसा कुछ है नहीं कि छात्र संघ के लिए कभी यहाँ पर मारपीट हुआ हो। आपस में दफन बाजी, आपस में लोगों एक दूसरे से पुरानी रंजिश था। अच्छा अच्छा, उसी के जी जी, ये देखिए उधर खैर नहीं, खैर ठीक है। तो एचआर आपको सबसे अच्छा लगता है? एचआर। जैसे फिनेंस में आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं हुआ? फिनेंस एक सब्जेक्ट था, हम लोग पढ़े थे और उसमें स्पेशलाइजेशन हम लोग नहीं है। फिनेंस में जैसे सिक्योरिटीज मार्केट हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, इकोनॉमिक्स पे पकड़ तो अच्छी होगी। पेपर था अच्छा, लेकिन आज स्पेशलाइजेशन नहीं है। अच्छा, इकोनॉमिक्स के बारे में अगर पूछा जाए तो इकोनॉमिक्स के बारे में तो बता सकते हैं? जैसे आजकल जैसे लड़के जो है लोगों को जीडीपी ही नहीं पता है, जीएनपी नहीं पता है, जीडीपी जीएनपी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जी जी, एक देश के विद इन द कंट्री बाउंड्रीज जी जी, एक साल के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है फाइनल गुड के रूप में, चाहे वो जो है पीस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंट्रीज हो, उसे कैलकुलेट कर जो निकलता है उसको जीडीपी। जीडीपी तो जी जी, जीडीपी परसेंटेज में कैसे निकालते होंगे? जैसे कि जितना प्रोडक्शन देख लिए जी जी, उसकी क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड करते हैं। जितने लोग रहते हैं टोटल, जैसे कि आप जीडीपी निकालिए जितने लोग हैं और उसके हिसाब से जितना प्रोडक्शन हुआ है जी जी, ठीक है, उसी में प्रोडक्शन उसको डिवाइड करके उसको परसेंटेज निकालते हैं। जैसे जीएनपी जो है ग्रॉस नेशनल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद
एक देश की सीमा के अंदर जो विदेश नहीं नहीं वो ये हो जाता है उसमें कि से भी हो जो भारत के लोगों के द्वारा चाहे वो विदेश में कर रहे हों चाहे भारत में साधारण सी समझ है जैसे ये जो रेपो और रिवर्स रेपो पर भी चलता है आरबीआई लगाती है ठीक है रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट सीआरआर एलपीआर ठीक है ना एसएलआर एसएलआर कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर और ये सारी चीजें आरबीआई द्वारा जो लगाई जाती है जी जी बैंकों के ऊपर है रेपो रेट लंबा वीडियो बन गया है अच्छा लगा काफी अच्छा लगा चलिए बढ़िया।